हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास का जो चैप्टर फोर है वो करेंगे। बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि फोर्थ चैप्टर जो है उसकी वर्कबुक का भी सॉल्व करो। तो सबसे पहले हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो क्या है। सबसे पहला है द लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर कॉल्ड डैश। जो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है वो अर्थ पे जो धरती पे है उन्हें क्या बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, ओशियन। नेक्स्ट है देयर आर डैश ओशियंस ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पे कितने ओशियंस हैं, हमारी अर्थ पे 5 ओशियंस हैं। अगला है द वाटर ऑफ द ओशियंस नेवर रिमेन्स। आपने कभी भी अगर देखा हो कोई ओशियन तो ओशियन का जो पानी होता है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टेबल। आगे है ड्यू टू डैश द वाटर ऑफ ऑल ओशियंस कीप मिक्सिंग विद वन अनदर। क्या होता है जिससे पानी जो है ओशन का एक दूसरे के साथ मिक्स होता रहता है, पानी जो है वो क्या होता है, ओशन करंट। ओशन करंट्स के कारण जो है पानी मिक्स होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर द होल ग्लोब हीट ऑफ डैश इज नॉट ऑल द सेम। सूरज सबसे ज़्यादा जो है सूरज की रोशनी होती है, तो सूरज की रोशनी जो है कहीं पर भी सेम नहीं होती। अगर हम ग्लोब की भी बात करें तो सूरज की रोशनी कभी कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा जो है गर्मी नहीं है, ठीक ठीक है, या कहीं पे गर्मी है ही नहीं, ठीक है। इसी तरीके से इसका आंसर क्या आएगा, सन। आगे है द गल्फ वाटर करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट डैश इन द होल वर्ल्ड। कि जो गल्फ वाटर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पूरे जो है वर्ल्ड में। तो उसका क्या आएगा, इसका है हॉट करंट। वाटर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है गल्फ का, क्योंकि उससे जो है हॉट करंट मीन्स कि गर्म धाराएं निकलती हैं। आगे हैं डैश ब्लोज इन द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन मीन्स कि जहाँ पे इक्वल है सारा, इक्वेटर है हमारा, ये इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर है हमारा, तो वहाँ पे कौन सी विंड ब्लो करती हैं, वहाँ पे होते हैं ट्रेडिंग टाइट। क्या होती हैं, ट्रेडिंग टाइट। आगे है द रोटेशन ऑफ अर्थ अफेक्ट्स डैश ऑफ द करंट। जो हमारी अर्थ घूमती है ना, मैंने आपको सिखाया था, जब हमारी अर्थ घूमती है तो क्या इफेक्ट करती है, उसकी गति को, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है, स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर कोल्ड एंड वार्म विंड करंट मीट गिव अर्थ टू डैश। जहाँ पे गर्म और ठंडी धाराएं जो हैं वो मिलती हैं उससे क्या होता है, स्नो, ठीक है, उससे स्नो बनती है। नेक्स्ट है द अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन ओशियन। जब भी हम बहुत कई बार क्या होता है, ओशियन का पानी बहुत ज़्यादा होता है, कई बार जो है कम होता है, तो उसका क्या कारण है, उसका कारण है टाइड्स। हम कहते हैं ना कि लहरें आ गई हैं तो पानी बढ़ रहा है, या लहरें कम हो रही हैं पानी कम हो रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, टाइड, ठीक है। नेक्स्ट है द राइज ऑफ ओशियन वाटर इज नोन एज टाइड। कहते हैं जो ओशियन का पानी है उसे टाइड बोलते हैं, अभी हमने किया है कि टाइड ही बोलते हैं, लहरें बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर कोल्ड करंट एंड वार्म करंट मीट देयर एमर्जेस डैम्स। क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा जो है कई बार गर्म जो है लहरें होती हैं मिलती हैं, उससे क्या होता है, फोग होता है। हमने अभी देखा था ना, वो हमने स्नो लिखा था, वहाँ पे हम फोग भी लिख सकते हैं, तो ये जो है ये बिल्कुल ठीक है। अगला है सुनामी इज अ ग्रीक वर्ड। जो सुनामी है वो ग्रीक वर्ड नहीं है, सुनामी जो है वो ग्रीक वर्ड नहीं, वो एक जापनीज वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अगर जापनीज होता तो सही हो जाना था। आगे है द वाटर इन द ओशन फ्लोज इन ए कॉन्स्टेंट मैनर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओशन का पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह कॉन्स्टेंटली जाता रहता है ना, ऐसा ही होता है ना, आप देखते थे, ये सही है। नेक्स्ट है द फॉकलैंड करंट इज ए कोल्ड वाटर करंट। जो फॉकलैंड करंट है वो कोल्ड वाटर करंट ही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है
सुनामी मीन्स द वेव्स विच राइज नियर द बैंक ऑफ सी। सुनामी क्या है? सुनामी क्या होती है? जब बहुत ज़्यादा जो है पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है ना, तो सुनामी जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, वेव्स आ जाती है, उसे ही बोला जाता है। सॉरी, यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है द हीट ऑफ सन रिमेन्स सेम ऑन द अर्थ। जो हीट है सूरज की वो एक जगह नहीं रहती, सभी जगह जो है चेंज होती रहती है। द ट्रोपोस्फीयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फीयर जो है वो लोएस्ट लेयर ही है। नेक्स्ट है द रेज ऑफ सन डू नॉट ले स्लांटिंगली ऑन द पोल्स। कहीं पर जो है सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और कहीं पर टेढ़ी पड़ती है, स्लांटिंगली भी पड़ती है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि नहीं पड़ती, तो पड़ती है, इस वजह से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है गल्फ करंट राइजेस फ्रॉम मैक्सिको। जो गल्फ करंट है वो मैक्सिको से ही राइज करता है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे मैच द फॉलोइंग्स, और सबसे पहला क्या है? कनेरी करंट। कनेरी करंट जो है वो क्या है? तो मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि हम इजीली कर सकें। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो कनेरी करंट जो है एक कोल्ड करंट है, गल्फ करंट जो है वो एक वार्म करंट है, कुरोशिवी करंट जो है वो एक वार्म करंट है, और कैलिफोर्निया करंट क्या है? कोल्ड करंट है। पैसिफिक ओशन जो है बिगेस्ट ओशन है, अटलांटिक ओशन जो है स्मॉलेस्ट ओशन है। दोनों तरीके से इसलिए किया ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, आपको इजीली पता लग जाए। नेक्स्ट है हमारा सबसे पहला चेंज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें उन्होंने बोला है वंस बलजीत वेंट टू मीट हिज अंकल इन अ फॉरेन कंट्री, हिज अंकल टुक हिम टू ए प्लेस फुल ऑफ टेन स्मोक। ऑन आस्किंग हिज अंकल टोल्ड हिम दैट द वार्म गल्फ करंट मीट्स कोल्ड करंट ऑफ लैब्राडोर एट विच प्लेस वॉज देयर। अब जो है बलजीत एक बार किसी अंकल से मिलता है अपने फॉरेन कंट्री में, और वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोक पड़ रही थी, तो बताया उसे कि गर्म जो भी वार्म गल्फ करंट है वो कोल्ड जो ठंडे करंट से मिल रहे हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि ये वार्म करंट जब कोल्ड करंट से मिलता है तभी फोक या स्नो होती है ना, तो वो जो है लैब्राडोर में था। तो वो प्लेस कहाँ पे है? वो प्लेस है हमारा न्यूफाउंडलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है सुखदेव वॉज रोमिंग ऑन द सी शोर, देयर वॉज फुल मून शाइनिंग इन द स्काई, सडनली ही सो दैट वाटर ऑफ द सी वॉज राइजिंग वेरी हाई, ही गॉट स्केयर्ड एंड रैन बैक टू होम। व्हाट हैड हैपेंड एट द सी? अब जो है सुखदेव जो था एक सी पे होता है, समुद्र के पास होता है, एक सागर के पास होता है, और वहाँ पे जो है फुल मून शाइन हो रहा होता है, तो वहाँ पे कभी कभी जो है सी राइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा तरंगे आती हैं, और कभी कभी जो है वो कम हो जाता है, तो इस वजह से वो डर जाता है और वो घर वापस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, शाइन तो कर रहा था लेकिन उसको लग रहा था कि बार बार जो है वाटर जो है वो राइज कर रहा, लेकिन वो लो टाइड था, बड़ा टाइड नहीं था। नेक्स्ट है ऑन दिसंबर 26, 2004, ये आपकी केस स्टडी है, आप आगे दी होगी लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स के पहले। उसमें क्या है, मनिंदर वेंट टू द सी शोर विद हिज पेरेंट्स। मनिंदर अब जो है सी शोर पे गया है, सडनली वेव्स इन द सी स्टार्टेड राइजिंग वेरी हाई, वट शुड दे डू इन सच अ सिचुएशन। अब देखो वो जो है गया है वहाँ पे अपने मम्मा पेरेंट्स के साथ, मम्मा पापा के साथ, और वहाँ पे जो है वेव्स जो तरंगे हैं समुद्र के बहुत ज़्यादा तेज होने लग जाते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? पहला है मेक अ लाउड नॉइज, या तो वो क्या करेगा ऊँची आवाज़ जो है चिल्लाने लगेगा ऊँची ऊँची आवाज़ में, स्टैंड अंडर अ ट्री पेड़ के नीचे जो खड़ा हो जाए, कीप सिटिंग पीसफुली देयर या शांत स्वभाव से वहाँ पर बैठ जाए, या फिर आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम द सी ऑन अ सेफ प्लेस, कि या फिर वो सेफ प्लेस पे चला जाए सी से, तो क्या होगा ये वाला जो आप हमारा फोर्थ है, कि उसे क्या करना चाहिए गेट अवे फ्रॉम द सी। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा तरंगे आ रही हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, खुद को सेफ करना चाहिए। अगर वो सेफ रहेगा तभी जो है वो
दोबारा आके देख सकेगा या बच सकेगा उस टाइम पे, तो उसको बचने की पड़ी होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट है, विच सी हैज मोर प्लांटिंग सैलिनिटी इन इट। सबसे ज़्यादा सैलिनिटी मीन्स की नमक की मात्रा होती है वो किस में होती है, वो होती है डेड सी में। ठीक है, जिसे हम मृत सी भी बोलते हैं, मृत समुद्र बोलते हैं। नेक्स्ट है, अरेबियन सी इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। अरेबियन सी किसका पार्ट है, अरेबियन सी पार्ट है इंडियन ओशन का। किसका पार्ट है, इंडियन ओशन का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ऑफ अटलांटिक ओशन। कौन सा जो है अटलांटिक ओशन का करंट नहीं है, कुरोशिवो करंट जो है वो अटलांटिक ओशन का करंट नहीं है, क्योंकि ब्राज़ीलियन गल्फ ये सारे जो हैं अटलांटिक का ही है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ टाइड इज शोन इन दिस पिक्चर। अब ये सारा उन्होंने दिखाया, यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे चंद्रमा है। ठीक है, पूरा उन्होंने दिखाया हुआ कि कौन सी टाइड है, ये दिखाई हुई है। नीफ भी है और स्प्रिंग भी है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन होगा तभी सारा टाइम जो है मौसम चेंज होता रहेगा, और नीफ टाइड भी है। तो ये क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स गिव राइज टू द ओशियन करंट। कौन से फैक्टर्स जो हैं वो जिससे जो है तरंगे बढ़ती हैं, वेव्स आती हैं, टेम्परेचर, विंड या सैलिनिटी, या फिर इनमें से सभी। मीन्स की टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, या बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, विंड्स आ रही हैं, या सैलिनिटी मीन्स के नमक की मात्रा उसमें कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सारा ही आएगा। नेक्स्ट है, अब आपको दी हुई है ये पिक्चर और आपको सुनामी के बारे में लिखना है। 26 दिसंबर 2004 की जो आपको केस स्टडी दी हुई है, पेज नंबर है इसका 46 पेज नंबर पे दी हुई है, तो आपने ये सारा लिख लेना है। ऑन दिसंबर 26 2004 अ मोस्ट पावरफुल सुनामी अकर्ड। यहाँ से लेके जो लास्ट एक्ट की लाइन है मैं आपको बता देती हूँ, मोर देन 200,000 पीपल वर किल्ड एंड मैनी मोर वर रेंडर्ड होमलेस। ठीक है, तो ये जो केस स्टडी है आपने सारी ही लिख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इन्होंने आपको बताया है भरने के लिए कि आपको जो है यहाँ पे हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो भरने हैं। सबसे पहले हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, आगे जो है आपको इन्होंने दिया है कि आपने जो है मैप फिल करना है 7 कॉन्टिनेंट्स का। तो ये मैंने फील्ड मैप लिया है कि आपको भी पता लग सके। सबसे पहले हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं ये आपको याद करना है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। ऊपर लेफ्ट साइड पे क्या है हमारा, नॉर्थ अमेरिका, इधर जो है हमारा साउथ अमेरिका, फिर आगे हम देखें इसके मिडल में जो है अंटार्कटिका, फिर नॉर्थ अमेरिका से थोड़ा आगे जाएं तो यूरोप है, साउथ अमेरिका से आगे अफ्रीका, और फिर उसके बाद जो है आगे इधर राइट साइड की अगर हम बात करें तो एशिया और इधर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरीके से आपने मैप जो है फिल कर लेना है। आज हमने जो है 4th चैप्टर जो था हमारा वो सॉल्व किया वर्कबुक का। सो होप यू लाइक दिस, थैंक यू।